तो बात करते हैं फैशन वीक की। बुधवार को फैशन शो के दौरान झलकी थी चोली, तो अब बारी थी घाघरे की। गुरुवार को भी हुआ एक हादसा। मॉडल कौर खान जब रैंप पर उतरी तो उनकी स्कर्ट ने जवाब दे दिया, लेकिन वहां बैठे तमाम लोगों और कैमरे के सामना कर रही सुंदरी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आया। और काली स्कर्ट पहनकर मॉडल गौहर खान रैंप पर उठी तो उनका भी हाल कुछ कैरल ग्रेसिस की तरह ही हो गया। कैरल के टॉप ने जवाब दे दिया तो गौहर खान की स्कर्ट ने। हालांकि मॉडल उसी जोश से रैंप पर बढ़ती चली गयी। Whether it's on the ramp or whether it's on the road, it doesn't matter. And then it's out of control. So I don't think commenting on it. The only thing I'd say is that these girls are really brave that they're doing this, in spite of the fact that they can come back within 30 seconds with another outfit and carry it off beautifully. दरअसल फैशन वीक के तीसरे दिन डिजाइनर सिमोन के शो में गौहर ने जो लिबास पहना था वो इतना टाइट था कि रैंप पर उसका ही हाल हो गया। These zippers are very delicate, and the thing is, when you're doing a show and changing in shows, they're very fitted and they're very delicate. So a fiber gets caught in it, it's bound to bust, you know. So the thing is, to undo it and redo it is also probably wasting seconds where the next model comes in. I mean, it's unfortunate it happened, but it did happen, and that the sad part is, the focus gets diverted, you know. इसे डिजाइनर की गलती कहें या आपाधापी में की गई तैयारी, लेकिन एक के बाद एक इस तरह के हादसे को लोग अब महज पब्लिसिटी स्टंट मानने लगे हैं। इप्सिता सिंह, मुंबई, आज तक। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे, देखेंगे हमारा खास कार्यक्रम मंडी। देखते रहिए आज तक।